Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. Uh, this is Devashi Shavasti. आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया आयां क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम्स में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दीजिए आपसे किसी न किसी ऑर्गनाइजेशन का जो इंडियन ऑर्गनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स बहुत पूछे आते हैं ओके सो यहाँ पर जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे इंडियन ऑर्गनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ओके okay? वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे आते हैं और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं इनका हेडक्वार्टर मुंबई है दिल्ली है, है हैदराबाद है क्या है और हम कन्फ्यूज रहते हैं इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा और इस लेक्चर को एंड तक आप देखिएगा आपके जितने भी Headquarters है याद रखिएगा इंस्टीट्यूट्स के या के वो आपको याद हो जाएंगे तो, तक जरूर तो चलिए स्टार्ट करते। कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में important मैं आपको बताता हूं जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपने नाम सुना होगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ऐसे ही आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सुना होगा जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं सेबी

मूवीज़ की बात करते हैं फिल्म्स की बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन दैट सी बी एफ सी ओके इसका हेडक्वाटर भी मुंबई में है एल आई सी एल आई सी आपने सुना होगा अभी अदानी की बात चली तो एस बी आई बैंक की बात हो रही है एल आई सी की बात हो रही है तो एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्योंकि न्यूज़ में है रिमेंबर इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है दैट इज़ मुंबई में ठीक है ऐसे याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन uh, है जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है दैट इज़ एसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुई थी 1948 में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर तो इसका मुंबई में है बट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि याद रखिएगा इसको स्टेब्लिश किसने की थी होमी भाभा जी ने की थी इनका नाम आपने सुना होगा नहीं सुना है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन इंडिया तो करेक्ट आंसर है होमी भाभा ठीक है वही पहले इसके याद रखिएगा डायरेक्टर बने थे किसके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तो याद रखिए इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है मुंबई में है तो ये तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई में है और एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ठीक है जो इंडिया की कैपिटल है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूपीएससी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हेडक्वार्टर न्यू डेली में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम की बात हो तो ट्राई की बात जरूर होती है दैट इज उसका भी कहां पर है दैट इज न्यू में नेक्स्ट फूड की बात करें फूड सेफ्टी की बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ डबल एस ए आई इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है तो याद रखना आपको दिल्ली में किस किस का हेडक्वार्टर है सी एस आई आर बहुत फेमस है अभी रिसेंटली इसकी जो हेड बनी है वो एक वुमेन बनी है पहली बार कोई वुमेन बनी है मैंने ऑलरेडी बता चुका है आपको तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हेडक्वार्टर सेम ड्यू डेली ओके फिर पोल्यूशन की बात करें पोल्यूशन डेली आपको पता होगा बहुत पोल्यूटेड रहता है डेली तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये भी डेली में है ओके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी दिल्ली में है तो देखिए नाम से ही पता चल जाते हैं वैसे ही दिल्ली में होगा दिल्ली में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग सुना होगा आपने दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दिल्ली में हेडक्वार्टर ठीक है सेल की बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या तो ओ की बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू दिल्ली में तो याद रखिएगा स्टील ऑयल ये सब कहाँ पर है न्यू दिल्ली में मिल रहे हैं ठीक है अब हम बात करते हैं फिक्की की फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रिमेंबर फिक्की बड़ा फेमस है अगेन न्यू दिल्ली ओके स्पोर्ट्स की बात करिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ न्यू दिल्ली ओके अब इतनी न्यू दिल्ली की बात कर ही ली है तो देखिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम हमेशा एग्जाम में आता है दैट इज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कभी कभी इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है तो ये कहाँ पर है ये बना तो पटियाला में है रिमेंबर बट इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये अगर मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो इसका नाम होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स कहा जाता है पूछा जाता है विच इज़ नोन एज मक्का ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स तो आंसर है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला में है ओके तो ये एशिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है

CDSCO, remember. सारो के हेडक्वार्टर जो कहां पर है दैट इज ए न्यू एंड तक जरूर वीडियो को इसलिए देखिएगा क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ रिसर्च भी बताने वाला हूं जिसके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखिएगा इसलिए एंड तक देखना जरूरी है देखिए डीआरडीओ की की बात तो इसरो की भी बात होनी चाहिए इसरो मतलब याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की बात होती है तो इसका हेडक्वार्टर क्या है बैंगलुरु में अब दिल्ली खत्म हो गया रिमेंबर तो बैंगलुरु में ऐसी आई आर डी ए आई दैट इज इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो इंश्योरेंस हम कराते हैं हैदराबाद जाकर रिमेंबर ऐसे याद कर सकते हो जो कि तेलंगाना में है तेलंगाना की कैपिटल है ओके okay? तो आईआरडीएआई इंश्योरेंस वाले की हेडक्वार्टर कहाँ है दैट इज हैदराबाद ओके अब हम आगे बढ़ते हैं नोएडा आपने सुना होगा जो कि यूपी में है तो नोएडा में भी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है दैट इज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिमेंबर और दूसरा है नेस्कॉम ज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर इनलैंड वॉटरवे दोनों का हेडक्वार्टर नोएडा में इनलैंड वाटरवे अभी न्यूज में है इसलिए याद रखना है एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो अब देखिए मैंने बहुत से हेडक्वार्टर आपको बताया वैसे ही मेजर रिसर्च सेंटर जो है इंडिया में इसके भी हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं कि भाई ये रिसर्च सेंटर कहां पर है ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है ठीक है आपके कमिंग एग्जाम्स में आपने देखा भी होगा स्टेट सर्विसेज में पूछा गया है यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग में पूछ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि ड्रग्स या देखिए ड्रग्स मिलते हैं लखनऊ में लखनऊ यूपी में जाइएगा तो ड्रग्स मिलेंगे आपको ऐसे याद करो तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च रिसर्च ड्रग्स इंस्टीट्यूट लखनऊ ओके फिर के जो पेशेंट है एक बीमारी है उसके पेशेंट जो है वो तमिलनाडु में मिलते हैं रिमेंबर ऐसे ही याद रखिएगा लेदर जो है लेदर और लेप्रॉक्सी के पेशेंट दोनों ही जो आपको याद रखना है दोनों एल से हैं तो ऐसे याद कर सकते हो लेप्रोक्सी लेदर दोनों ही कहां पर है तमिलनाडु में तमिलनाडु में बात सेंट्रल अप्रोक्सी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये चेन्नई में है रिमेंबर सो so ये आपको याद रखने हैं कि दोनों एल से हैं तो दोनों का आंसर तमिलनाडु है आगे अगर बात करते हैं चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी लोकेशन ठीक है इसकी मैं लोकेशन जानबूझ के हटा दी है क्योंकि इतनी फेमस नहीं थी ठीक है चलिए बट स्टिल कमेंट बॉक्स से आप मुझे बताइए एक्चुअली तमिलनाडु में कौन सी जगह है जहाँ पर सेंट्रल लप्रॉक्सी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है ओके मैं आपको बताऊँ थोड़ा अजीब सा नाम है बट स्टिल आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ओके okay, नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपको खाना खाना है फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करनी है तो आपको जाना पड़ेगा मैसूर मैसूर कहाँ है कर्नाटका में रिमेंबर ठीक है तो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी तो मैसूर जाना पड़ेगा दैट इज कर्नाटका ये तो एग्जाम में पूछा गया है एम में भी आ चुका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वेरोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछा गया है कहां पर है पुणे में है महाराष्ट्र में ये ऑलरेडी आ चुका है बहुत से ऑलरेडी आ चुके हैं ठीक है थीके? जैसे सेंट्रल इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है तो धोनी का शहर रांची झारखंड में है ठीक है तो देखिए याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि सबकी आप ट्रिक बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है फिर अगर जूट की बात करें जूट तो आपको पता होगा ईस्ट साइड में मिलता है इंडिया कोलकाता साइड में बंगाल जगह पे तो कोलकाता इसका हेडक्वार है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है दिल्ली की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में ओके okay? नेशनल जियो अब देखिए जियो की बात करूँ या न्यूट्रिशन की बात करूँ दोनों का हेडक्वाटर हैदराबाद में रिमेंबर है, तो नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना आपको न्यूट्रिशन की बात करें जियो की बात करें दोनों का हेडक्वाटर तेलंगाना में हैदराबाद में Remember. Okay. माइनिंग की बात करें माइनिंग आपको पता होगा धनबाद में होती है ऐसा याद कर सकते हो झारखंड में होती है तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद दैट इज एट झारखंड ओके नेक्स्ट सॉल्ट की बात करें तो गुजरात में होगी तो सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर दैट इज गुजरात रिमेंबर ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज कटक उड़ीसा में ओके और ये भी बहुत बार पूछा गया सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में ठीक है बड़े इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट मुंबई कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पर मैंने आपको सारे ऑर्गेइजेशन बता दी है जिनके हेडक्वार्टर एग्जाम में आएगा इसको आप देख के चले गए ना तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा अब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं आप हमारी कंटिन्यूअस मेहनत को देख रहे हैं कि हम हमेशा लेक्चर्स बना रहे हैं अगर आप इसी बात पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कुछ लोग हमको मैसेज करते हैं हम सब कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पेटीएम फोनपे गूगल पे सब कुछ नंबर यहाँ मैंशन है आप डायरेक्टली चाहें तो क्यू स्कैन कोड से आप हमको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपने विश से एक रुपये दो रुपये जो भी चाहते हैं आप वो कर दीजिएगा हम उसको अपने वेलफेयर में याद रखिएगा हम एक एन को सपोर्ट करते हैं वहाँ पर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे तो आप अगर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो फंड जितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उसका मल्टीप्लाई बाई टू करके मतलब मैं अपने साइड से उतना फंड ऐड करके इसको हम एन को डोनेट करेंगे ओके आगे मैं बात करता हूँ तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या देखिए जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है <coughs> यहाँ पर हम आपको हैंड रिटन नोट्स अपने प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं पॉलिटिक की बात करूँ मैं हिस्ट्री की बात करूँ सब हैंड रिटन हैं, है ठीक है एकदम पॉइंट फ्रेम में ज़्यादा डिटेल नहीं रहते हैं कि आपको टाइम वेस्ट हो कम टाइम पर आप तैयारी कर सकते हो तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो रिमेंबर अगर आपको क्लासेस चाहिए प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज तो आप एक बार हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो देवशीष क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी यूपीएससी पी एस सी की प्रिपरेशन करो कम टाइम बचा है क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो अगर आप अभी देना चाह रहे हो और अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है एक बार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर बड़ा बेटर हम आपको हेल्प कर सकते हैं मैं बता दूँ हमारा एक ऑफर भी चल रहा है तो ऐप पर जरूर विजिट कर लो एक बार एक ऑफर चल रहा है वो कोड आपको हमारे ऐप आप पर दिख जाएगा ओके आ, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें बहुत लोग कमेंट कहते हैं सर वन ईयर का वीडियो आप बना दीजिए करंट अफेयर्स का दैट इज फ्रॉम जैन टू दिसंबर पूरा कंप्लीट एक अभी आप सिक्स मंथ का बनाएं ऐसी वन ईयर का बना दीजिए तो मैं एक दो दिन के अंदर पूरा वन ईयर का वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा ठीक है तो वो वीडियो भी आपका जल्दी आएगा एक दो दिन वेट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा हम उस वीडियो को भी आपके सामने ले आएंगे ओके कोई 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 इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए कुछ नहीं करना चाहते तो वीडियो को शेयर जरूर करें चैनल को लाइक हमारी वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चैनल ये हमारी श्योरिटी है थैंक यू